दोस्तों नमस्कार, आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों। मैं भी एकदम मस्त। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ पानी के लिए, जहाँ पापा लोग पानी के लिए जाते हैं, मुगरू पापा भी हैं साथ में, पापा थोड़ा आगे पे हैं। तो अभी मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ आज अपना पुराना वाला स्कूल, जहाँ से मैंने इंटर पास किया था। 8 तक तो मैंने पापा के स्कूल में पढ़ा था, 9, 10, 11 बार मैंने यहीं GIC से पढ़ा। अभी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ स्कूल के, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ स्कूल। तो ये है दोस्तों स्कूल, ये 10 की क्लास है, यहाँ पे हम भी बैठे थे। ये वाली बिल्डिंग नई बन गई है, हम उस टाइम जिस टाइम हम पढ़ते थे उस टाइम पे नहीं बनी थी वाली बिल्डिंग। तो हम यहाँ पे बैठते थे इस वाले कमरे में 11th और 12th में, यहाँ पे ऑफिस है। हम इस वाली क्लास में बैठते थे यहाँ पे, और यहाँ भी है अभी। यह वाली बिल्डिंग तो पहले ही बन गई थी, 2 कमरे पहले बन गए थे याले। और ये भी पहले बन गया था जब हम 12th में थे, उस टाइम पेपर चल रहे थे इसमें, हमारे इसमें चले थे पेपर। और ये नई वाली बिल्डिंग है, ये भी हमारे बाद बनी है, हमने 12th पास हो गए थे उसके बाद बनी है वाली बिल्डिंग भी। फील्ड तो पहले से ही था यहाँ पे। ये नई वाली बिल्डिंग है, अभी बैठते तो कोई नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों स्कूल की तो बहुत याद आती है अभी भी। तो आज मैं दिखाऊंगा अभी वहाँ पे जहाँ से हम पानी लाते हैं, मुंगरू बोलते हैं वहाँ का नाम, और भगवती का मंदिर भी है वहाँ पे। पूरा देवदार का जंगल है दोस्तों ये। परसों दिखाया था मैंने आपको, मिनी झील दिखाई थी परसों वहाँ नीचे पे। हमारे स्कूल के ऊपर पे एक हॉस्टल भी है, कस्तूरबा गांधी बालिका वाला। तो वहाँ पे लेने भी नहीं देते हैं, वीडियो बनाने भी नहीं देते, खाली कैमरे लगे हैं, अच्छा भी नहीं रहता है। मैंने नहीं बनाई, तभी नहीं दिखाया आपको। 2 बिल्डिंग है उनकी भी, एक बिल्डिंग पहले बना दी थी, पहले उसी में रहते थे, और दूसरी बिल्डिंग हाल में ही बनी है अभी, 3 मंजिला बिल्डिंग है वो भी। तो सर लोग भी आए थे पानी के लिए, वो आ गए हैं, और पापा भी उन्हीं के साथ हैं अभी। तो दोस्तों बहुत घना जंगल है ये देवदार का, अकेले आने में तो यहाँ बहुत डर लगती है। और बच्चे ही क्या, बड़े लोग भी साथ में आते हैं यहाँ, क्योंकि ये जंगल चढ़ाया है, कोई लकड़ियाँ नहीं काटेगा करके, तो तब घना जंगल हो गया है पूरा ये। ये है भगवती का मंदिर। अब मैं आपको अभी एक चीज़ बताऊंगा, यहाँ भी अंदर जाके भी दिखाऊंगा, ऊपर जाके यहाँ पे और यहाँ पे है। सबसे पहले हम पहले भी मैंने यहीं से पढ़ रखा है 10वें साल से, मेरे को भी बहुत साल हो गए, हम भी आते थे पापा के साथ पानी के लिए। पहले सबसे पहले पानी यहीं पे था, ये टैंकी नहीं थी, अभी इसके पीछे है, अभी दिख नहीं रहे पापा भी। ये टैंकी परसों भी आया था मैं जब, तब नहीं बनी थी, आजकल ही बनी है, मतलब हो रहे हैं इसको 7-8 दिन हो रहे हैं शायद बने हुए। तो सबसे पहले पानी यहाँ पे था, उसके बाद पानी ऊपर पे गया, फिर और नीचे पे आया। अब आजकल टैंकी बना दी है, पहले पानी यहाँ पे था, यहाँ पे से भरते थे पानी, अब नीचे चले गया। वैसे एक तरफ से बढ़िया बना दिया, टैंकी भी बच गई, अब यहाँ पे टैंकी भी बन गई। तो टैंकी से का जो पानी बर्बाद होता था वो टैंकी में जाएगा, नीचे गांव भी है वहाँ बना, कनेक्शन कर लिया है इस पानी का। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ भगवती माँ का मंदिर, यहाँ पे भर रहे हैं पापा पानी। जब परसों में आया था मैंने यहाँ पे से भरा था, यहाँ पे से अब वहाँ पहुँचा दिया। अब अगली बार जब आऊँगा उसके बाद पता नहीं कहाँ पे मिलता है पानी, अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ। तो दोस्तों
जो यहाँ पे का मंदिर है, ये मंदिर बनार गोलजू का है। ये बांस के पेड़ हैं। ये भनार गुलजू का मंदिर है। यहाँ पे ऊपर पे भगवती का मंदिर है, भगवती वहाँ का। यहाँ पे भी है पानी, वहाँ पे थोड़ा सा है। यहाँ से तो हमने तो भरा नहीं है पानी। तो अब आपको ऊपर भगवती माँ के दर्शन भी कराता हूँ। ऊपर पे है भगवती माँ का मंदिर। तो मैं पहुंच गया हूँ भगवती माँ के मंदिर में भी। तो यह है दोस्तों भगवती माँ का मंदिर। दसाई थल में है ये मंदिर। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।